साथियों, लोग रेड बुल चिल्लाते रहते हैं, तो मैं सोचा इसका एक वीडियो डाल दूं। तो हम हैं योग और आप सभी लोग ये रेड बुल का वीडियो देख रहे हैं। आप सभी तो इसको एक दो बार ट्राई किया हूँ, तो इसमें जो है कैफीन, निको कैफीन और ये ट्यूरिन, कार्बोनेट वाटर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें, शुगर और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें इसमें मिली है। और विटामिन के स्रोत B12, B5, B6, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसके जो फायदे हैं वो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे आप नहाकर तरोताजा हो जाते हो, उसी तरह से इसको पीने से थोड़ा तरोताजा हो जाओगे, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। जैसे नहाने से सेम नहाकर जैसे आप उठते हो तो अपने आप को फुर्ती मतलब महसूस करते हो, उसी तरह का इससे प्रभाव होगा। और कोई विशेष प्रभाव नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। और इसके जो पीने के बस यही सारे फायदे हैं। सबसे एक बहुत मस्त फायदा है कि अगर आप अल्कोहल के साथ पीते हैं, खारा डालकर पीते हैं या इसको डालकर, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। रेड बुल को डालकर एल्कोहल के साथ पी सकते हैं, तो कम चढ़ेगी, ऐसा मानना है, लोग कहते हैं। हम ट्राई नहीं किए हैं ना तो करेंगे। बस ये था। और इसके जो नुकसान हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा या कह ही देता हूँ मैं। नुकसान जो है इसका सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए है, या फिर इसमें जो कैफीन पाई जाती है, कैफीन का लत लगना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जिंदगी में बहुत मतलब ये तो टेस्ट देने के लिए मैं पी रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए। इसको खोल दिया हूँ, बस इसको स्वाद और सब कुछ चेक करेंगे और जो कुछ भी रहा इसका इफेक्ट भी बताएंगे। तो ये किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत नुकसान है, एक तरह का जहर ही समझ लो। लेकिन जहर क्या, पियो मौज काटो, जिसको पीना है अच्छा भी है। लेकिन कोई ज़्यादा लगातार पीता है, एक दिन में दो दो चार चार कैन पिएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। साल में एक बार पीते हो तो कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं, साला स्वाद ही ना समझ आता है। जैसे फल का रस होता है, उसको पहले पूरी तरह से उसको निकाल लें। अम्लीय है, थोड़ा सा हल्का सा अम्लीय है, जैसे अमरूद का रस, अमरूद वाला एक फ्लेवर का वैसे लग रहा है। तो भाई फ्लेवर अलग अलग है, आप सभी लोगों को जैसे समझ आए। अब इसको पीने के बाद फायदा क्या होगा ये देखता हूँ मैं। 110 रुपए की है ये, और इसमें 250 ml रहता है। जैसे आप सोडा शॉप की दुकान पे गए होंगे आप सभी लोग, वहाँ पर इस तरह का बोतल मिलेगा आप सभी लोगों को। सोडा शॉप की दुकान पर, वहाँ से आप सभी लोग जैसे सोडा की दुकान पे 5 रुपए का सोडा नहीं पिलाते, सोडा पानी वाला, वैसे ही स्वाद है। थोड़ा इसमें जैसे अमरूद का स्वाद लग रहा है। तो फायदे नुकसान सभी आप सभी लोगों को पहले भी बता दिया हूँ कि कोई फायदा विशेष नहीं है। रेस मारने वाले, जिम करने वाले बंदे इसको ना पिए, ज़्यादा अच्छा होगा। रेस वालों के लिए तो बिल्कुल भी फायदा नहीं। अगर कोई सोचे कि इसको पीकर हम मसल बना सकते हैं या मोटापा ला सकते हैं, मोटापा तो आ जाएगा, मोटापा शरीर के लिए वैसे भी घातक है। तो रेस मारने वाले बंदे या जिम करने वाले इसका सेवन ना करें बिल्कुल भी। अगर उनको सेवन करना ही है तो जैसे संतरे का जूस, मौसमी का जूस और गन्ने का रस, फल का जूस, गाजर का जूस, ये सारी चीज़ें पिए। अगर एनर्जी ड्रिंक के नाम पे 110 रुपये आप लॉस करते हो, उससे अच्छा आप 110 रुपये का किसी भी तरह का जूस पियो। आप फल का जूस पियो, वो आपको 10 गुना क्या 1000 गुना इससे फ़ायदा देगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये आपसे लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो एक बार लास्ट है, इसको पी लेता हूँ, क्योंकि 110 तो लग ही गए हैं। ये कंपनी जैसे ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी बियानक बनी हुई है ये। जैसे दवा खाने से आदमी को थोड़ा नुकसान होता है, वैसे इसको भी पीने से नुकसान ही है। तो ये वीडियो बना दिया हूँ। जैसे आप आयुर्वेद खाते हो, आयुर्वेद में यानी जो भी आप हरा साग सब्जी सब कुछ खाते हो, तो उसका जो है हमारे शरीर पर लगता है, और आयुर्वेद की दवा सेवन करते हो वो भी शरीर पे बहुत दिन तक उसका प्रभाव रहता है। लेकिन आप अंग्रेजी दवा खाते हो या अंग्रेजी कुछ भी सेवन करते हो, वो नुकसान करते हैं। इसी तरह से ये भी नुकसानदायक ही है। तो
मैं इसका बहिष्कार करता हूँ साफ साफ भाई, देसी चीज़ अपनाओ बहुत लगभग कहें तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई विशेष प्रभाव नहीं है, ऐसे ऐसे ही है। इसीलिए दोस्तों ना सेवन करें इसका, ज़्यादा ही बेहतर होगा। आप लोग फल फ्रूट का जूस पिए 110 रुपये का, लाख गुना अच्छा होगा, लेकिन इसका सेवन कदापि ना करें, यही हमारा कहना था। क्योंकि हमने टेस्ट करके देख लिया, पहले भी इसको पी रखा हूँ एक दो बार, बस यही देखना चाहता था, इसका अनुभव लेना चाहता था कि क्या वास्तव में रेड बुल दो सांडों को आपस में पेलते हैं, जो पेलते हैं ना वो मतलब ऐसा लगता है साला दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, जीतता कौन है ये बताओ, कोई नहीं ना, इसलिए बराबरी टक्कर है उसमें जो दिखा रखे हैं। तो मैं यही मानता हूँ भाई कि बराबरी का क्या, या तो जीत या तो हार, कुछ भी तो हो, लेकिन उसमें देखो आप दो साढ़े आगे पीछे लड़े होते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। रेड बुल बाय कार्ड, साफ बात भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।